अरे गर्मी का इतना असर है ना कि नेशनल मीडिया को लहर लग गया है मोदी वाला, इसी लहर के चपेट में लोग आ गए हैं, मानसिक संतुलन लोग खो बैठे हैं। राजस्थान में 25 गो सीटें करा है, 32 गो बीजेपी जीत रहा है, ये संभव है? हरियाणा में 10 गो सीट है, 12 गो और 16 गो बीजेपी दिखा रहा है, 10 गो में 12 गो कैसे जीतेगा? एग्जिट पोल नहीं है ये मोदी पोल है, मोदी पोल है, मोदी पोल है। एग्जिट पोल बकवास है, एग्जिट पोल पर ही विश्वास है, ये कूड़ा कचरा है, बकवास है, बिल्कुल बकवास है, कूड़ा कचरा है। अरे यही एग्जिट पोल था ना जो ममता बनर्जी को खत्म कर दिया था। आपको हरियाणा में 10 सीट है और उसमें 16 से 19 सीट दिखा दे रहा है, चिराग पासवान 5 सीट पे लड़ा उसको दिखा रहा है 5 से 6। इंडिया गठबंधन जनता का सर्वे हो गया 295, इंडिया की सरकार बन रहा है। जहाँ पब्लिक का व्यू लिया जाता है वहाँ भाजपा के कार्यकर्ता और उनके मानने वाले लोग पहुंच जाते हैं, उसी से लिया जाता है। राष्ट्रपति भवन में विदाई समारोह का आयोजन हो चुका है, जैसी चार आएगा, 4 तारीख जैसी आएगा, जैसी घोषणा होगा 5 तारीख को शपथ ग्रहण चालू, शपथ ग्रहण प्रक्रिया चालू हो जाएगा, बीजेपी खत्म हो गया, सपा चट, कहानी खत्म। नमस्कार, मेरा नाम प्रीति है और अभी हमारी मौजूदगी जो है वो पटना में है। कल अंतिम चरण का चुनाव खत्म हो गया है, 4 तारीख को रिजल्ट आने वाले है और रिजल्ट से पहले जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी के 400 पार नारे को सच बता रही है। बहुत सारे सर्वे है जिसमें कहा जा रहा है कि बीजेपी को 300 से 350 वो जो है सीट आने वाली है और कहीं तो 400 पार के नारे को ही सच करा दिया जा रहा है। तो हमारे साथ जनता है, उनसे पूछेंगे जो एग्जिट पोल आया है उसके बारे में क्या कहिएगा। ये लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, मीडिया का दायित्व होता है सच्चाई दिखाने का, कहीं ना कहीं सच्चाई को तोड़ मरोड़ को दिखाया जा रहा है। एग्जिट पोल लोग पहले देखते थे, आज एग्जिट पोल से लोग दूर भागने लगे हैं। कारण क्या है कि कहीं ना कहीं गलत दिखाने लगे हैं। जिस तरह से कैसे कह सकते हैं कि गलत है ये? अरे ये गलत सर्वे है भैया, इतना गलत है कि आपको हरियाणा में 10 सीट है और उसमें 16 से 19 सीट दिखा दे रहा है, चिराग पासवान 5 सीट पे लड़ा उसको दिखा रहा है 5 से 6 है कि ना, हिमाचल में 4 है उसको 6 से 8 दिखा दे रहा है। तो ये तो मानसिक संतुलन लोग खो, ये भीषण गर्मी के और लहर के चपेट में लोग आ चुके हैं, गर्मी का असर हो रहा है। अरे गर्मी का इतना असर है ना कि नेशनल मीडिया को लहर लग गया है मोदी वाला, इसी लहर के चपेट में लोग आ गए हैं, मानसिक संतुलन लोग खो बैठे हैं। एग्जिट पोल नहीं है ये मोदी पोल है, मोदी पोल है, मोदी पोल है। लोगों ने, इस देश की जनता ने वोट किया 7 चरण में, लोग शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, बेरोजगारी पर, बढ़ते बेलगाम महंगाई पर, अर्थव्यवस्था पर लोग वोट किया और लोगों ने वोट किया और ईवीएम में बंद हो गया सभी का किस्मत प्रत्याशी का, वो 4 जून का इंतजार कीजिए। एग्जिट पोल ऐसा थोड़ी है कि अभी ही आ रहा है, ये तो हमेशा से होता आया है कि लोग अनुमान लगा के, पहले लोग सर्वे करके बताया करते थे, समझ गए, पब्लिक व्यू लेकर, मगर अब पब्लिक व्यू नहीं ले पा रहे हैं। जहां पब्लिक का व्यू लिया जाता है वहां भाजपा के कार्यकर्ता और उनके मानने वाले लोग पहुंच जाते हैं, उसी से लिया जाता है। तो वो क्या बताएंगे, वो क्या कांग्रेस का बताएंगे? तो ये कहीं ना कहीं पूरा फ्लॉप जाएगा एग्जिट पोल और एक अच्छी सरकार हिंदुस्तान में बनने जा रही है। आपको लगता है कि गलत है? अरे पूरी की पूरी गलत है एग्जिट पोल। ऐसा तो नहीं है कि कहीं आप नहीं चाहते हैं, ऐसा इसे दिखाया जा रहा है इसलिए आपको विश्वास नहीं हो रहा, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे? नहीं, ये एग्जिट पोल नहीं है, ये मोदी पोल है। हाँ, ये लोग भी लहर के चपेट में आ चुके हैं, भीषण गर्मी के जो चल रहा है ना, तो ये लोग चपेट में आ गए, लोग की मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। अब इन लोग को 4 जून के बाद जनता जो वोट के जरिए किस्मत बंद है ईवीएम में, वो 4 जून को पता चलेगा सुबह 8 बजे से। ठीक है, और भी लोग हैं हमारे साथ, एग्जिट पोल पे क्या कहिएगा? नहीं, एग्जिट पोल पे कहा जा रहा है कि अब की बार 405 जो था वो बिल्कुल सही है, वो नहीं हो पाए, नहीं है सही, नहीं है आपके हिसाब से? मैं जो कह रहा हूँ इसको चेंज करना चाहिए, जो 10 साल उसको कर रहा है, 10 साल 5 साल उसको भी देना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। ऐसा मैं ऐसा बोल रहा हूँ, परिवर्तन वो 5 साल क्या करता है देख लेना चाहिए ना। जो अभी जो है मोदी आएगा तो पब्लिक को पता नहीं है, दिक्कत होगा। एग्जिट पोल पे बात कर रहे हैं, एग्जिट पोल पे क्या कहेंगे? एग्जिट पोल में कह नहीं सकता हूँ, कह नहीं सकते। और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे पूछेंगे एग्जिट पोल पर क्या कहेंगे? कूड़ा है एग्जिट पोल,
पूरा एग्जिट पोल वही एग्जिट पोल बंगाल में बीजेपी का सरकार दिखा रहा था बन गया बंगाल में वही एग्जिट पोल तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाता दिखा रहा था बने थे तेजस्वी मुख्यमंत्री बिहार में चिराग पासवान 5 गो सीट पर चुनाव लड़ा करा के 6 गो सीट जीत जाएगा संभव ही कोई बात लड़ेगा 5 गो पर 6 गो सीट जीतेगा भैया राजस्थान में 25 गो सीट है 32 गो बीजेपी जीत रहा है ये संभव है हरियाणा में 10 गो सीट है 12 गो और 16 गो बीजेपी दिखा रहा है 10 गो में 12 गो कैसे जीतेगा संभव ही नहीं है कूड़ा कचरा है जिसको जो मन करा बके जा रहा है अरे इंडिया गठबंधन जनता का सर्वे हो गया 295 इंडिया की सरकार बन रहा है ये सब जितना पैसा दीजिएगा अंबानी वाला पैसा 295 कैसे आपको लगा एकदम अपना अनुमान है मोदी जी कैसे 450 बिल्कुल अनुमान जनता का सर्वे है तो मीडिया में ऐसे अनुमान लगा रहे तो कैसा अरे अनुमान एक अपने अपने में 40 गो सीट है 40 गो सीट एगो देखे इंडिया टुडे एक्सेस पे हम कल देख रहे थे वो बोला कि 27 गो आएगा बीजेपी को और 22 गो आएगा कांग्रेस को संभव है 27 और 22 कितना होता है भैया 40 गो सीटें बिहार में 27-22 जोड़ लीजिए कितना होगा कुछ ऐसे सीट्स है जहाँ पे बीजेपी के कैंडिडेट नहीं है वहाँ पे भी घुमाया जा रहा है कि बीजेपी जीतने वाली है तो वो तो 3 गो ना था 3 गो था 543 हो जाएगा अरे कुछ बोल देना 4 दिन का इंतजार कीजिए ना भैया एंड एग्जिट पोल बकवास है एग्जिट पोल पर ही विश्वास है ये कूड़ा कचरा है बकवास है बिल्कुल बकवास है कूड़ा कचरा है अरे यही एग्जिट पोल था ना जो ममता बनर्जी को खत्म कर दिया था क्या हुआ ममता बनर्जी मारी ऐसा तमाचा की बीजेपी सभा चट हो गई लेकिन बीजेपी वाले खुश हो रहे हैं कह रहे हैं कि देख लीजिए जो हम अनुमान लगा रहे थे जो हम कह रहे थे वही चाह रहे हैं कि बीजेपी वाला खुश हो कम से कम लड्डुआ तो बनाए आधा पैसा पे बीजेपी को लड्डू बेचना पड़ जाएगा आधा पैसा लड्डुआ का उपयोग ही नहीं होगा भैया खरीदेगा जो जीत रहा है वो खरीदेगा अभी खरीदा बीजेपी का सामान खरीद लिया हम आपसे खरीद लेंगे बिल्कुल एकदम क्लियर है वो बना ले पैसा लगाए आधा पैसा पे हम खरीद लेंगे भैया जो बीजेपी का लड्डू बना बहुत बहुत स्वागत है बहुत अच्छा 2-3 क्विंटल आओ बनाइए सब आपका आधा दाम में खरीदा जाएगा जो सरकार बनने उन्हें नहीं जा रहा है राष्ट्रपति भवन में विदाई समारोह का आयोजन हो चुका है जैसी 4 तारीख जैसी अगर जैसी घोषणा होगा 5 तारीख को शपथ ग्रहण चालू प्रक्रिया चालू हो जाएगा बीजेपी खत्म हो गया सपा चट कहानी खत्म टकाटक ढकाढक पैसा आएगा बीजेपी सपा चट कहानी खत्म हो गया और लोग हैं हमारे साथ एग्जिट पोल पर क्या कहिएगा पता नहीं कुछ नहीं पता नहीं वोट तो दिए होंगे ना हाँ बिल्कुल दिए हैं हाँ तो फिर क्या लगता है एग्जिट पोल पे विश्वास है जो 400 पार का नारा लग रहा था बहुत सारे सर्वे जो ऐसे कह रहे हैं कि हाँ सही में 400 पार हो जाएगा कई जो आंकड़े 300-350 बताए जा रहे हैं तो क्या लगता है मोदी जी आएंगे तो पक्का लेकिन नहीं आना चाहिए ये भी सच बात है नहीं आना चाहिए ये भी सच बात है यस कह रहे आना तो चाहिए पक्का लेकिन आएंगे लेकिन आना चाहिए नहीं आना चाहिए बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं आप कंफ्यूज क्या कर रही है सच है ये आपको ये विश्वास है आएंगे ही लेकिन नहीं आना चाहिए यस आने का रीजन है भतेरो रीजन है ईवीएम सबसे बड़ा रीजन है सबसे बड़ा रीजन ईवीएम है लोगों का प्यार बीजेपी कह रही है लोगों का प्यार लोगों का प्यार मंदिर है लोगों का प्यार बीजेपी नहीं है बीजेपी ने अपने आप को मंदिर से जोड़ दिया है लोगों का प्यार मंदिर मंदिर से जोड़ दिया यस अच्छा एग्जिट पोल पे कहीं ना कहीं एग्जिट पोल जो है कहीं ना कहीं एग्जिट पोल पर सवाल उठ रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है 4 तारीख का इंतजार करना चाहिए कुछ लोग कह रहे हैं कि एग्जिट पोल जो है वो एग्जिट पोल नहीं है मोदी पोल है बाकी आपकी क्या विचार है एग्जिट पोल को लेकर के आप हमें जरूर बताइएगा तब तक के लिए धन्यवाद